हेगा hey इस वेलकम बैक टू द मड्रेड पंडित चैनल फॉर द मध्रेदी स्टास बाय द महारदीताज एंड ऑफ द मधुरेदीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है मैक्सिको की यू नो देर ब्रिलियंस अर्जेंटीना एंड देर कम बैक्स रोनाल्डो अल नेसर और ब्रूनो फर्नांडेस रियाल मटरेड की सबसे पहले यार वर्ल्ड कप की बात करते हैं बिकॉज इट इज दी दोइंग कॉम्पिटिशन मेक्सिको ने बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस डिलीवर करी अगेंस्ट साउदी अरेबिया बट सम हाउ सम हाउ समाव

बाय वर्ल्ड कप बाय वर्ल्ड कप यहां पर गेम बाय गेम की भी बात नहीं करेंगे वर्ल्ड कप बाय वर्ल्ड कप जो वो सेव्स निकालते हैं फॉर मेक्सिको उसका अब अंत आ चुका है वर्ल्ड कप ने अपना एक गोट खो चुका है दिस वॉज ओचुआज लास्ट वर्ल्ड कप ठीक है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके ओचुआ कमेंट कर देना ठीक है एंड uh, आगे बढ़ते हुए मैं और सऊदी अरेबिया के मैच के बारे में ये बोलना चाहूँगा दैट मेक्सिको हैड सो तो मेनी चांसेस दे कुड नॉट कन्वर्ट एंड आई थिंक वहीं पर उनकी चूक हो गई ऑल दोस्ट सऊदी अरेबिया ने जो लास्ट मोमेंट में गोल मारा आई थिंक दैट वॉज अ ग्रेट गोल बट इट वोट काउंट बिकॉज सऊदी अरेबिया क्वालिफाई नहीं करने वाली है टू द नॉट आउट इट इज अर्जेंटीना एंड पोलैंड एंड अब इनके मैच के बारे में बात करते हैं अर्जेंटीना और पोलैंड का भाई क्या ही सही मैच गया है सबसे पहले तो थोड़ा तो तो टैक्टिकली मैं चीज़ें बात करना चाहूँगा क्योंकि एक सेकेंड हाँ सबसे पहले थोड़ी सी टैक्टिकली चीजें बात करना चाहूंगा आप यहाँ पर ये फोटो देख सकते हो यहाँ पर अर्जेंटीना चार मैन आगे कमिट कर रही है उससे ज़्यादा वो कमिट नहीं कर रही है एंड आप हुआ अलवारिस को लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो दी मरिया को सेंट्रली देख रहे हो एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेसी आज द बॉल योर अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूंगा कि एट टाइम्स अर्जेंटीना अपनी बिल्डअप में फॉर्मेशन चेंज कर रही थी पहले थ्री टू फाइव रख रही थी उसके बाद फोर टू फोर भी कराया उन्होंने बीच में एंड यहां पर अक्यूना बहुत किया था मार्कोस अकूना जो कि एक सविया प्लेयर है तो करेंटली सविया के लिए खेलता है आई डोंट रिमेंबर बट वो उनके लिए बहुत ही की आया इस एस्पेक्ट में बिकॉज अक्यूना भाई बहुत ही क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल इन द सेंस कि बहुत ही ऑफेंसिव माइंडेड आज लग रहा था बट इट इज ऑल डाउन टू इस एंड नॉट अक्यूना हिमसेल्फ अक्यूना को कहा गया था कि ते को मैटी कैश के साथ डील करना पड़ेगा मैटी कैश को अपने खुद के हाफ में रखना पड़ेगा इन द सेंस की पोलैंड के हाफ में रखना पड़ेगा इसलिए तू ऑफेंसिव माइंडेड रहे तू भी अटैक कर ताकि मैटी कैश को वो फॉरवर्ड रन बनाने को ना मिले जो वो पोलैंड के लिए या फिर यू नो अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए बनाता है तो यहां पर लियोनल्स कॉलोनी का प्लान काफी सॉलिड था एंड वो कहीं ना कहीं काम भी कर गया बिकॉज मैटी कैश की जो थ्रेट जो वो लेकर आते हैं राइट हैंड साइड से वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट ही हो गई साथ ही साथ अर्जेंटीना का भाई क्या ही मैच था मतलब आ, थोड़ा तो सा टैक्टिकल परस्पेक्टिव से हट के थोड़ा तो सा इमोशनल एस्पेक्ट से देखें तो एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ तो टाइम हमें लग रहा था कि हेड टू तो हेड रिकॉर्ड की जगह फेयर प्ले रिकॉर्ड को देखा जाएगा बिकॉज हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी ड्रॉज निकली थी इनके बीच में तो फेयर प्ले रिकॉर्ड ही बचता बट उसमें भी पोलैंड ही क्वालिफाई करती बिकॉज मैक्सिको ने सेवन येलो कार्ड्स ले रखे थे और पोलैंड ने कुछ रफली फोर ले रखे थे येलो कार्ड्स इन टू टू थ्री गेम्स तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से मैक्सिको क्वालिफाई नहीं कर पाई बट अगर फेयर प्ले के बेसिस में होता तो दैट वुड हैव बीन हिस्ट्री एंड समहाउ अगर इक्वल अमाउंट ऑफ येलो कार्ड्स होते या रेड कार्ड जो भी है होते ना तो दे कुड हैव ड्रॉन इट फ्रॉम द बॉल मतलब आ, उनका जो पॉट होता है उसमें से बॉल्स निकाल के आउट करते कि कौन क्वालिफाई करेगा और कौन नहीं करता तो दैट वुड हैव बिन इंटरेस्टिंग बिकॉज बिकॉजी से ऐसा कुछ हुआ नहीं था बट कमिंग बैक टू अर्जेंटीना पोलैंड भाई ने तो घोषण ही मार दिया पोलैंड से बिल्कुल भी इंटेंट हमें देखने को नहीं मिली है पोलैंड वर मिसिंग इट ऑल गेम लॉन्ग मुझरा भी बॉल भी नहीं रख पाए अर्जेंटीना इफ एम पाया अर्जेंटीनावेंटी टू परसेंट डॉमिनेट डोमिनेट कर रही थी एंड सेकंड हाफ में तो कतई डोमिनेट ही कर दिया उन्होंने पूरा गेम भाई अर्जेंटीना लिटरीली रनिंग

ठीक है मैं यहाँ पर सिर्फ मेसी की बात करना चाहता हूँ एंड मेसी ने पूरा गेम चलाया कल अर्जेंटीना का वो डीपर पोजिशन में आके ड्रॉप कर रहा था अक्यूना के साथ उसका एक बहुत ही बड़ा लिंकअप था जिसने मेरे को जॉडिया अल्बा मेसी का जो कनेक्शन था बारसा में उसकी याद दिला दी तो यहाँ पर मेसी का भी परफॉर्मेंस यार काफी कतल था मैं अगर मेसी के परफॉर्मेंस को रेट करने जाऊँ तो एट आउट ऑफ इन दूंगा ही दूंगा बिकॉज उसके काफी सारे शॉर्ट्स भी उसने मारे थे जो कि ऑन टारगेट थे और अगर हम ऑन टारगेट शॉट्स की बात करें तो वी हैव टू यू नो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट वॉइस कॉम्पलीमेंट वॉइसर जो कि यूवेंटस के गोलकीपर है क्या ही पेनल्टी रोकी है ही वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दट ही इज गन्ट टू स्टॉप द पेनल्टी एंड नॉट जस्ट दैट उसने तो भाई मतलब स्माइल कर रहा था वो लिटरली पेनल्टी लेने से पहले मतलब सेव uh, करने से पहले वो स्माइल कर रहा था तो क्लियरली इतना कॉन्फिडेंस उसका दिखाता है कि वो पढ़ के आया था कि मेसी कहां पर मारेगा कहाँ नहीं मारेगा एंड इट वॉज फैंटास्टिक दिस गेम भाई आई एम जस्ट यू नो गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड फॉर द नॉकआउट चेज क्योंकि अगर ग्रुप शेरेज इतने एक्साइटिंग थे मतलब मैं तो लिटरली ये भी कह दूंगा कि ये साल मतलब इस बार के ग्रुप शेरिज टू थाउंड एटीन वर्ल्ड कप के ग्रुप शेयर से ज्यादा एक्साइटिंग थे ऑल्सो दिस इज अ प्रति डिबेट

अभी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज तो इमेज राइट्स आती हैं और हर एक टॉप प्लेयर के यू you नो know, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में इमेज राइट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये एक स्पॉन्सर ढूंढ पाते हैं क्या ये वो इमेज राइट्स में म्यूचुअली अग्री कर पाते हैं नेगोशिएट कर पाते हैं बिकॉज उसके अलावा और कोई ऐसा क्लॉज नहीं है और कोई ऐसा प्रॉब्लम रोनाल्डो को नहीं आने वाली है फॉर एक्सेप्टिंग दिस अभी एक और चीज मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा दोस्तों की रोनाल्डो टू मिलियन कमाएंगे यू नो टू मिलियन आई थिंक पर ईयर का बोला गया है अंटिल जून ट्वेंटी विद अल न तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे I think he... probably can accept this offer although it will really very hurt I uh, mean मतलब, you know hurt me that if such a thing happens I really don't want Ronaldo to leave Europe I'm mentally not ready to let that happen so तो yeah hopefully such a thing doesn't happen but आगे जाके last में बस Bruno Fernandes to Real Madrid की बात करना चाहूँगा भाई ये fake news है please इसपे भरोसा ना करें literally कुछ भी backing नहीं दी गई है इस news sources की और सारे भी जिन्ने भी uh, you know sources हैं जिन्होंने इसको back किया है they're all fake journalists and they really don't know much about Real Madrid तो मैं बस आपसे ये कहूँगा कि आप इस source पे उतना believe ना करें because इतन हाईली रिप्यूटेड सोर्सेज नहीं है मार्सा ने थोड़ा बहुत बोला गोल ने थोड़ा बहुत बोला डेली मिरर ने थोड़ा बहुत बोला बट ये इतने हाईली रिप्यूटेड सोर्सेस नहीं है ब्रोनो फर्नान्डस रियाल मोरड नहीं आएगा और आएगा भी तो किसको रिप्लेस करने जा रहा है वो करीम मेजमा को करेगा टोनी क्रूज को रिप्लेस करेगा लुका मॉडरिज को रिप्लेस करेगा ही इज़ नॉट एज टेक्निकली टैलेंटेड एज द इधर ऑफ द थ्री मिड फील्डर्स और इवन गुड इन द बिल्डअप एज कमेयेर टू द थ्री ऑल्दो ब्रोनो फर्नानांडस के काफ़ी सारे अच्छे परस्पेक्ट्स भी हैं बट आई डू फील दट हीज गो नॉट स्टेट इन मैनचेस्टर फॉर अली रेली लॉन्ग टाइम फॉर अनादर थ्री टू फोर सीजन एट लीस्ट बट यर विद दाइड लाइक टू एन दीडियो इफ यू वॉचिंग टे देंड हाला मदरीद इना दमास हस्ता एल फिनल बामोस रियाल एक सेकेंड सू से पहले एक और बात आप मेरी सुन लो आज हम वॉचुलोंग करने वाले हैं स्पेन वर्सेस जापान का और जर्मनी वर्सेस कोस्टा का काफी बढ़िया पैनलिस्ट होंगे हमारे साथ तो बिल्कुल जुड़ना आप हमारे साथ और मैं ट्राई करूंगा कि कुछ स्पेशल पैनलिस्ट को भी लेकर आऊं बट विद दिस ईयर हला মাদरीद इन अलमास हस्टा एल फाइनल वामोस रियल